हमारा आज का टॉपिक है कंडीशनल फॉर्मेटिंग का। आइए देखते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग हम किस तरह से यूज करते हैं, क्या क्या बेनिफिट है उसके। ये हमारा वही सैंपल डाटा है जिसमें हम कल वर्किंग कर रहे थे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो है होम टैब में हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है जी। जिसमें हमारे पास फॉर कंडीशनल फॉर्मेटिंग होती क्या है, फॉर्मेटिंग जैसे हमारा किसी चीज को बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, इस पे कलर भरना, फॉन्ट चेंज करना, इस तरह से इस चीज को हम फॉर्मेटिंग बोलते हैं। और जो फॉर्मेटिंग कंडीशन के बेस पे होती है, कि जैसे हमारी वैल्यू है यहाँ पे, हम वैल्यू बेस पे, कंडीशन के बेस पे, कोई भी कंडीशन हो सकती है हमारी, चाहे वो लॉजिकल हो, चाहे कुछ रूल्स हो हमारे उसके बेस पे, कि अगर यहाँ ये तारीख है तो ये बोल्ड हो जाए, इस तरह से बेस्ड अपॉन अ कंडीशन जो फॉर्मेटिंग होती है उसको कंडीशनल फॉर्मेटिंग कहते हैं। देखते हैं इसमें हमारे लिए क्या क्या है। सबसे पहली चीज आती है इसमें हाईलाइट सेल रूल। माफ कीजिएगा 2 मिनट। तो इसमें पहली चीज आती है हाईलाइट सेल रूल्स ग्रेटर देन। इसमें करते हैं मैं चाहता हूं कि जिसमें मेरी 80 से अबव वैल्यू हो वो हाईलाइट कर दे। डेटा सिलेक्शन सही कर लेता हूं अपना यहां से यहां तक। जो वैल्यू मेरी 80 से अबव हो वो हाईलाइट कर दे। यहाँ पे आपकी 80 से अबव की वैल्यू हाईलाइट हो गई। और देखते हैं लेस देन, मैंने कहा 50 से नीचे की जितनी वैल्यू वो हाईलाइट कर दे। लेस देन बिटवीन 50 से 70 के बीच की, बिटवीन 50 to 70। एक्चुअल में क्या हो रहा है कि हमारे पास यहाँ पे 50 to 70 हमने दिया पर यहाँ पे हुआ नहीं, इस केस में क्या हो सकता है। इसमें हमारे पास यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में मैनेज रूल के नाम से हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग का मैनेजर होता है, ठीक है जी। इस सिलेक्शन के अंदर जितने कंडीशनल फॉर्मेटिंग के रूल अप्लाई हो चुके हैं वो यहाँ पे आने लगते हैं। जब मैंने एक बार किया, दो बार किया तो ये चढ़ते गए। कई बार कंडीशनल फॉर्मेटिंग में इसी तरह की एरर्स आती है जो कि समझनी मुश्किल हो जाती है कि क्यों आ रही है, मैंने तो ये दिया था ये चीज़ आई क्यों नहीं। तो इस तरह से यहां से पहले मुझे रूल जो है अपने डिलीट करने, देन उसके बाद कोई नया रूल अप्लाई करना है। आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है शो फॉर्मेटिंग रूल्स फॉर करंट सिलेक्शन दिस वर्कशीट। यहाँ पे एक जगह आइकॉन सेट लगाया होगा मैंने, इस कारण ये दिखा रहा है। इसको बिल्डिंग शीट 2 शीट 3, मतलब पूरे वर्कबुक में आप अपने जहां जहां लगी हुई है कंडीशनल फॉर्मेटिंग वो रूल्स देख सकते हैं। तो मैं इसको यहां से भी क्लियर कर सकता हूँ, एंटायर शीट से या सिलेक्टेड रीजन से।
अब मैं जो आपको बता रहा था बिटवीन 52 70, क्लियर कर देता हूँ। इक्वल टू 80, किसी के बराबर हो, 80 ही करनी है उसके लिए। हाँ टेक्स्ट दैट कंटेन्स हमारा जो मैं आपको कल बताया था, जैसे एंडिंग विद, बिगिंस विद और दैट कंटेन्स, वो यहाँ पे चलेगा। मैंने ये कहा कि इसको जिस जिसमें W PO IL हो, ठीक है जी, जो हमारा जैसे डबल ईव का मतलब है, मैंने इस किसी भी टेक्स्ट बेस के अंदर किसी भी वैल्यू में डबल ई होना चाहिए, तो वो उनको हाईलाइट कर देगा बेस्ड अपॉन ए टेक्स्ट। डेट अकरिंग के लिए हम चलते हैं डेट पे। इसमें हमारे पास कुछ, मैंने एडवांस फिल्टर में आपको तरीके बताए थे अपने डेट के फिल्टर के, इसमें तो उसी तरह से यहाँ पे भी अवेलेबल है। यस्टरडे, कल की आने वाली डेट अगर है तो कल बीती हुई डेट, कोई नहीं है इसमें। टुडे की डेट, इसमें भी कोई नहीं। अब मैं डालता हूँ टुडे की डेट, डाल देता हूँ एक जगह पे। कंट्रोल सेमी कॉलन से हम करंट डेट ला सकते हैं कहीं पे भी, कंट्रोल सेमी कॉलन और कंट्रोल शिफ्ट सेमी कॉलन से करंट टाइम आता है हमारा। अब जैसे इसकी बीती हुई डेट थी मेरी 25 नवंबर, इसमें से पहले मैं क्लियर कर देता हूँ। अब यहाँ पे बीती हुई डेट थी मेरी, डेट अकरिंग में मैं यस्टरडे चूज करता हूँ तो वो आपको हाईलाइटेड मिलेगी। नेक्स्ट डेट अकरिंग में और क्या ऑप्शन है हमारे पास, टुडे का, आज की डेट, टुमारो, कल आने वाली, इन द लास्ट 7 डेज, पिछले बीते हुए 7 दिन में, लास्ट वीक, पिछले हफ्ते में, अगर कोई है तो। पिछले हफ्ते में हमारे पास यहाँ कुछ भी नहीं है, आने वाले में देखते हैं। नेक्स्ट वीक या दिस वीक में देखते हैं, दिस वीक में ये डेट दिखा रहे हैं, नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते की, लास्ट मंथ, हमारे लास्ट मंथ में जो थी अक्टूबर में, इसी तरह से दिस मंथ एंड नेक्स्ट मंथ। पर एक ऑप्शन इसमें अवेलेबल नहीं है, इसमें हमारे नहीं, जैसे इसमें वीक जो होता है हमारा पूरा हफ्ता लेता है, जैसे संडे टू
मंडे टू ये संडे तक हो गया, संडे टू सैटरडे तक हो गया, कैलेंडर वीक के हिसाब से चलता है। पर 7 दिन जो होता है नेक्स्ट 7 डेज अगले 7 दिन के लिए होता है, आगे आने वाले 7 दिन के लिए मुझे चाहिए अगले, मैं उसके लिए क्या करूंगा, इसमें उसके बेस पे कंडीशन लगा। इसके लिए ऐसी कुछ कस्टमाइज कंडीशंस के लिए हमारे फॉर्मूले लगते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर, वो मैं इसमें आपको लास्ट में बताऊंगा, पहले मैं आपको इसके जनरल ऑप्शन बता दे रहा हूँ। डेट एकरिंग हो गया हमारा, डुप्लीकेट वैल्यूज, जो वैल्यूज हमारी डुप्लीकेट होंगी उनको ये इसमें अच्छा समझ आ जाएगा। यहाँ पे क्वांटिटी वैसे सारे डुप्लीकेट है, इसमें कोई यूनिक तो है नहीं कोई, जैसे मैं क्वांटिटी में होगा सर डुप्लीकेट। इसमें हो सकता है, इसमें आपके पास दो ऑप्शन है, एक डुप्लीकेट का है एक यूनिक का है। यूनिक में आपकी यूनिक वैल्यूज दिखाएगा जो कि एक ही बार पड़ी हुई है, डुप्लीकेट में वो ये एक से ज्यादा बार पड़ी हुई है। ठीक है जी, सर अगर हमें ये काउंट करना हो कि ये डुप्लीकेट वैल्यू कितनी बार पड़ी हुई है तब। तो उसके लिए मैंने कल इसका फॉर्मूला आपको बताया था काउंट इफ का, ओके जिसके ओके ओके ये डुप्लीकेट निकालने का मैंने बताया था कि ये दो बार हो तीन बार हो, इसी तरह से यहाँ पे मैंने कितनी बार डुप्लीकेट है ये मेरे को यहाँ पे बता सकते हैं। जैसे संदीप कितनी बार आया वो यहाँ पे था, मैंने इस फॉर्मूले में 7 बार राइट सर। है। इस चीज को हम अभी आगे करेंगे ये, क्योंकि अभी पूरा नहीं बताया मैंने आपको, ये फिल्टर की तरह काम करेगा पूरा। तो आगे चलते हैं, इसमें क्या चीज है हमारे पास, डुप्लीकेट और यूनिक दो तरह से यूज कर सकते हैं। चलते हैं नंबर्स की ओर। टॉप बॉटम वैल्यूज, टॉप 10 आइटम्स, जरूरी नहीं 10 हो, आप कितने भी ले सकते हैं, ज्यादा कम ज्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं, टॉप 5, टॉप जितने हो सकते हैं। टॉप 5 मैंने चूज किए, तो मैक्सिमम 5 वाले मेरे पास हाईलाइटेड होंगे। ठीक है जी, टॉप 10% कितना परसेंटेज आप लेना चाहते हैं अपने आप से चूज कर सकते हैं। बॉटम 10 आइटम्स, बॉटम 10% इसी तरह से अबव एवरेज। यहाँ पे देखिए हमारे पास एवरेज यहाँ पे दिखा रहा है 50.369 और 2 जो भी समथिंग है, जो उससे अबव है वो हमें हमारे हाईलाइटेड हो जाएंगे। इसी तरह से हमारे पास बिलो एवरेज भी है। डेटा बार्स, अलग अलग तरह के हमारे पास डेटा बार है। इसमें क्या करता है ये, मैक्सिमम वैल्यू के अकॉर्डिंग अदर वैल्यूज को बार्स एक बार्स क्रिएट कर देता है, चार्ट टाइप का एक। कलर स्केल, ये भी सेम चीज है, पर इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल है। क्यों मुश्किल है, जैसे मैंने इसको चूज किया, अगर आपको थोड़ा फिर भी समझना है, मैनेज रूल्स में जाइए, इस पर सिलेक्ट कीजिए, 3 कलर स्केल है ये। लोएस्ट वैल्यू जो होगी हमारी इसमें रेड में होगी, मिड पॉइंट मिडल की होगी वो येलो में होगी, और हाईएस्ट जो होगी वो ग्रीन में होगी। जिस तरह से कलर कॉम्बिनेशन बनता है ना, जैसे हम इसमें ये मिक्स करते हैं और उसके बाद ये ग्रीन मिक्स करते हैं, तो जो कलर
उसकी परसेंटेज के अकॉर्डिंग जितना होगा तो वो उतना डार्क होता चला जाएगा, मिक्सचर उतना ही हैवी होता चला जाएगा, यानी कम, इसको एक स्केल की तरह ले सकते हैं हम, इस स्केल की तरह। मान लीजिए 100% है, बैकग्राउंड डिस्टरबेंस आ रही है, जिनके यहाँ से आ रही है म्यूट कर लें। तो ये हमारा कलर स्केल है, इसको हम एक प्रोग्रेस बार की तरह समझ सकते हैं कि हमारे यहाँ 0% या 100%। अब जो वैल्यू है इसमें मैक्सिमम वैल्यू के जितने परसेंट की होती है उसके अकॉर्डिंग वो कलर पैलेट यहाँ पे डिस्प्ले होता है। हालांकि इतने कॉम्प्लिकेटेड की हमें जरूरत नहीं है, पर कभी फिलहाल पड़ जाए तो हमारे पास इधर अवेलेबल है। आइकॉन सेट, कल मैंने इसको आपको थोड़ा सा दिखाया था। आइकॉन सेट आप लगा तो देंगे। अब इसी तरह से हम मैनेज रूल में जाके इसको समझ सकते हैं। इसने बोला कि वैल्यू ग्रेटर देन 67% हो तो राइट का निशान है, 33 हो ग्रेटर देन 33, ग्रेटर देन इक्वल टू 33 तो क्रिटिकल, और जब 33 से बिलो की हो तो क्रॉस का साइन है। ठीक है जी, आप इसको अपने हिसाब से बदल सकते हैं, वैल्यू बेस कर सकते हैं इसको। मैं कहता हूं कि मेरी 80 से अबव की वैल्यू इसमें आए और 60 से 80 के बीच की क्रिटिकल आए और बाकी उसके नीचे की दिक्कत वाली हो जाए। इस हिसाब से आपको यहाँ पे लगा के दिखा देता है। इसको थोड़ा सा हम और समझते हैं। मान लीजिए एक कंपनी है, उसने एक टेस्ट कंडक्ट किया, और उनके मार्क्स दिए, ट्रेनिंग दे के मार्क्स दिए उनके, उनके मार्क्स कुछ इस तरह से दिए। अब मेरा क्राइटेरिया है कि जो जिनका जो ग्रेडिंग है लेस देन इक्वल टू 40 है, वो तो हो जाए फेल में। ठीक है जी, 41 से 60 वाले कंपार्टमेंट में आ जाए और ग्रेटर देन 60 वाले पास में हो जाए, मतलब फेल तो रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। कंपार्टमेंट वालों को एक मौका और मिलेगा, ट्रेनिंग प्रोवाइड करा के वापस उनको रख लेगी, पास वाले डायरेक्ट अपने काम पे जा सकते हैं। मैंने डेटा सिलेक्ट किया, यहां से आइकन सेट अप्लाई कर दिया। अब ये जो आइकन सेट मैंने अप्लाई किया है इनको, आइकन सेट में जाके हम वापस मैनेज रूल में यहां से अपनी कंडीशन सेट कर सकते हैं। मेरी कंडीशन क्या है, मैक्सिमम वाली ग्रेटर देन 60। हाँ जी, और
क्रिटिकल वाली है 41 से 60 के बीच की, तो मैं ये करूँगा इसके बीच को, मेरे को खाली लास्ट वैल्यू देनी है। ठीक है जी, वैल्यू कर देता हूँ इसमें नंबर। तो मैं क्या कर रहा था, यहाँ 60, यहाँ मैंने किया था 41। ओके, अप्लाई करते ही इस तरह से फिक्स हुआ है। अब कंडीशन मैंने यहाँ पे दी है, यहाँ नहीं दी है, यहाँ तो मैं खाली डिस्प्ले के लिए ऐसे ही लगा हमें देता बता हूँ। रहे हैं। हाँ, यहाँ डिस्प्ले के लिए मैं वैसे लगा देता हूँ कि किस साइन का क्या मतलब है दिखाने के लिए। सर ये हम पे तो अप्लाई नहीं होता ना। नहीं, अब पैसे मुझे मिल ही जाने हैं तो उस पे मैं क्या अप्लाई, पास ऑफ फेल। तो इस कुछ इस तरह की कंडीशंस में हम इसको यूज कर सकते हैं। अब इसमें हमारे पास, जैसे मेरे पास 3 क्राइटेरिया थे, पास फेल और ये सब। ठीक है, हमारे पास सेल्स में क्या होता है, जैसे Q1 Q2 फेल हो गई, Q3 Q4 हो गई, तो ग्रोथ परसेंटेज है, हम कुछ ऐसा क्राइटेरिया डिफाइन कर सकते हैं। जैसे जिसकी सेल 5% गिरी तो वो मतलब एवरेज के नीचे, मतलब 4 क्राइटेरिया में आप उसको डिवाइड कर लीजिए। सेल्स में ज्यादातर ऐसा यूज होता है, ऐसे ऐसे टर्म। तो हमारे पास उसके लिए आइकॉन सेट यहाँ 4 या 5 टाइम्स के लिए भी अलग अलग है। जैसे 5 टाइम्स के लिए सबसे बढ़िया जा रहा है हमारा ये वाला, अप में ये नॉर्मल है, ये डाउन गया, ये बहुत ही बुरा डाउन गया। शेयर मार्केट में यूज होता है जैसे। ठीक है जी, ये मतलब अच्छे का ही संकेत है इसका। ठीक है जी, इसका क्राइटेरिया जो है हम जाके यहाँ से सेट कर सकते हैं कि क्या होना चाहिए। मैनेज रूल में जाके, यहाँ पे मेरे पास 2 अप्लाई हो रखे हैं, एक को डिलीट कर देता हूँ और इसको, ऑलरेडी वैसे क्राइटेरिया सेट है, मैं चाहूँ तो अपने हिसाब से जैसे मैंने वहाँ चेंज किया था वैसे वहाँ से एरो नहीं पसंद आ रहे मुझे, मैं अपने हिसाब से यहाँ से रेटिंग चूज कर सकता हूँ इस तरह से। ठीक है, अप्लाई करते ही ये अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, आइकन सेट्स का यूज हम इस तरह से करते हैं। सर इसमें नीचे एक ऑप्शन और आ रही है मोर रूल्स की। मोर रूल्स नहीं, ये न्यू रूल है ये। आइकन सेट में, आइकन देखिए, सेट में नीचे आ रही है मोर रूल्स। वो वही चीज है। ठीक अच्छा आप कितना भी उसको ऊपर से, अच्छा ठीक है सर राइट। है जी, वो हर जगह से जहां से भी खोलेंगे एक ही चीज खुलेगी। ऑलराइट। और दूसरा इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है, ये जितनी भी चीजें मैं कर रहा हूं ये सारी ना फॉर्मेटिंग है। अगर मुझे किसी दूसरे पे यही चीज अप्लाई करनी है तो मेरा फॉर्मेट पेंटर है जो कि फॉर्मेटिंग को कॉपी करता है। हालांकि ये फॉर्मेटिंग है तो मैं इसको फॉर्मेट पेंटर के जरिए कॉपी करके अप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है जी, फॉर्मेट पेंटर आप लोग यूज करते हैं, मैंने अपना फर्स्ट क्लास में बताया था कि जैसे फॉर्मेट पेंटर आप यूज करते हैं तो आप बार बार करके एक चीज पे फिर उस पर क्लिक करते हैं, फिर आपको जाना पड़ता है, फिर लगाते हैं, तो उसको एक साथ लगाने के लिए आप फॉर्मेट पेंटर पे डबल क्लिक कीजिए। अब उसको जहां जहां अप्लाई करना है आप एक ही बार में कर सकते हैं, क्लिक करते जाइए अप्लाई होती जाएगी। और फॉर्मेटिंग को अगर क्लियर करना हो तो हमारे पास यहाँ पे क्लियर फॉर्मेट्स है। क्लियर ऑल में सारा डेटा डिलीट हो जाएगा, क्लियर फॉर्मेट्स में फॉर्मेटिंग क्लियर होती है। ठीक है जी, अब थोड़ा सा हम अपने तरफ से चलते हैं। हमने मान ली सेल्स एरिया हमारी, ठीक
ठीक है जी। टारगेट एक तो वहां सेट करते हैं, कई बार ऐसे टारगेट आ जाते हैं जो हमारे पास क्राइटेरिया में नहीं मिलते या हम किसी तरह से नहीं सेट कर पाते। एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मैंने इन सब की टारगेट रख दिया 150 का इस सेल्स पे। अब मुझे उस पे न्यू रूल पे जाऊंगा, सबसे लास्ट ऑप्शन पे आ जाएंगे, यूज फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट। ठीक है जी, यहाँ पे अपना फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, इक्वल टू। एक चीज बताना चाहूंगा इसमें, जब हम यहां फॉर्मूला डालते हैं तो हम अगर एरो की का यूज करते हैं तो यहाँ पे इस तरह से कुछ आ सकता है। यानी जैसे लिखते लिखते मैंने कोई फॉर्मूला डाला, मैंने कहा कि यहाँ कुछ गलती हो गई, उसके लिए जैसे ही मैंने वो की दबाई तो यहाँ पे मेरा रेफरेंस आना शुरू हो जाता है। तो इसके लिए हम इसको जब भी चेंज करना होगा तो माउस के थ्रू नेविगेट करेंगे इसको, अदरवाइज ये आपकी मतलब रेफरेंस लेने लगेगा। अब मैंने ये कहा कि ये सेल जो है टारगेट का, जिसका 70% हो, मेरा टारगेट क्या है 150, इसको सिलेक्ट करते हैं 1। कैसे कंपैरिजन करेंगे, पहले मैनुअल करके देखते हैं फिर उसको उस पर करते हैं। इसका जो है 70% हमारा क्या होगा, 0.7 से गुणा करेंगे 105, 105 से बड़ी वाली, यानी कि जो हमारी ये वैल्यू है वो बड़ी होनी चाहिए 0.,, मतलब इसके 70% से ज्यादा या इक्वल टू। फॉर्मूला क्लियर है ये? इसमें क्या करता हूं मैं, J2 को फिक्स कर लेता हूं, दोनों मैं इसके रो और कॉलम दोनों के आगे, यहाँ कॉलम है यहाँ, जिसके आगे आप डॉलर लगा देंगे वो वैल्यू ड्रैगिंग के दौरान चेंज नहीं होगी। इस तरह से हमारे पास कुछ ट्रू फॉल्स आ गए, इसको हाइड कर देता हूँ। तो जहां ट्रू है, बेसिकली हमें फॉर्मूला में जो आइडेंटिफाई करना पड़ता है वो यही आइडेंटिफाई करना होता है ट्रू फॉल्स में। तो अगर ये ट्रू हो, 70% से अबव हो, तो उसे हाईलाइट कर दे। ये फॉर्मूला मैंने पूरा ही कॉपी कर लिया, पहले तो मैंने पूरा फॉर्मूला कॉपी कर लिया इक्वल टू तक। अब मैं आ गया उस सेल पे जिसपे अप्लाई करना है। अब मैं लगाऊंगा न्यू रूल, यूज फॉर्मूला टू डिटरमाइन वैल्यू। ठीक है जी, ये लगा दिया मैंने, जो बाकी फॉर्मेट मैंने सेट कर दिया। क्या हो गया, अटक गया। सर स्लो आ रहा है बहुत, वॉइस तो क्लियर है, माउ वो वीडियो बहुत स्लो आ रहा है, लेट से आ रहा है। अटक गया मेरा, एक्सेल मेरा हैंग कर गया, एक सेकेंड। ओके
ज्यादा ही खतरनाक फॉर्मूले लग गए इसमें। एक बार मैं बंद करके इसको खोल लेता हूँ। क्या हो गया इसमें? अटक गया तो दोबारा करना पड़ेगा इसको। मैं एंड कर देता हूँ। ये आ गया। अब स्क्रीन क्लियर है सबको? हाँ, तो मैं इस पे फिट कर रहा था कि मेरी सेल्स जो है 160 के 150 के 70% से अबव होनी चाहिए। पहले मैं 150 पे ही सेट करता हूँ कि मुश्किल पे जाऊँ। सिंपल, इसके बराबर हो नहीं, 70% ही ठीक है। यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे, डायरेक्ट अप्लाई कर देता हूँ न्यू रूल। तो वैल्यू है इसकी लॉजिकल होनी चाहिए, ट्रू फॉल्स में आनी चाहिए। मैं इसमें लगाऊंगा ये वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 150 का 0.7। फॉर्मेट सेट करूंगा, फिल में जाके ग्रीन, ऐसी वैल्यू को ग्रीन कर दे। और यहाँ पे ये ध्यान दीजिए कि डॉलर ना आने पाए। डॉलर को हम हटा देते हैं यहाँ पे, क्योंकि अगर डॉलर आएगा, मेरा सिंगल सेल पे कर रहा हूँ, उसके बाद फॉर्मेट पेंटर से ड्रैग करूंगा, तो ये ड्रैगिंग रूल इस पे भी अप्लाई होते हैं। ओके, डाउनलोड डाउनलोड होता है आपको तीनों ऐसा वीडियो खराब हो गया अपना। यहाँ पे नहीं, इधर अप्लाई करते हैं। ठीक है जी। तो जिनका भी रिजल्ट ज्यादा था हमारे 150 के 60% से, वो क्या है 70%, 70-60 क्या लगाया था देख लेते हैं। 70%। ये चीज क्लियर है सबको? इस तरह से हम इसमें कुछ फॉर्मूले यूज कर सकते हैं। मेरा ना वीडियो मिस हो गया सर, वो शायद स्लो हो गया था वाईफाई। चलिए कोई बात नहीं, बाद में सर। तो मैंने खाली फॉर्मूला ही लगाया है इसके अंदर जो है सर। ये मैनेज रूल में जाके हम ये फॉर्मूला देख लेते हैं एक बार और। इसमें क्या किया मैंने, वैल्यू को सिलेक्ट किया, यहाँ से इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन लगाया, और ब्रैकेट के अंदर 150 मल्टीप्लाइड बाय 0.7। 0.7 से क्या है कि ये 70% वैल्यू इसकी निकाल लेगा। अगर 150 का 70%, ये वैल्यू जो है 150 के 70% के बराबर है या उससे ज्यादा है, तो हमारी वैल्यू को करर कर देगा। ये एक्चुअली ये एक लॉजिकल कंडीशन है। अगर मैं कह देता हूँ कि ये 70% का अगर मुश्किल हो रहा है, तो 150 से जो ज्यादा है उसको। ओके, अब मैं इसका फॉर्मेट सब में कॉपी कर देता हूँ। तो 150 वाले छूट गए सारे, 150 से ऊपर वाले हमारे बिलो वन कलर। फिफ्टी
हाँ ब्लू वन फिर जी, राइट। हाँ कलर हो गए, ठीक है। इस तरह से हम फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं इसमें। अब फॉर्मूले का यूज हम थोड़ी सी इसमें एडवांटेज लेते हैं इसकी, फॉर्मूले की। हमने क्या है कि यहाँ पे जब फॉर्मूला ही यूज हो रहा है, तो कई बार हम वी लुकअप भी यूज कर लेते हैं इसके अंदर, मैच करने के लिए कि वो वैल्यू हमारी उस डेटाबेस में है कि नहीं। है कि नहीं वाले जो फंक्शन होते हैं लॉजिकल कंडीशन बेस्ड होते हैं। अगर वी लुकअप वैल्यू दे रहा है तो इसका मतलब वो ट्रू है, हम वैल्यू को चेक करा लेंगे वी लुकअप से। वो मैं लगा के आपको फॉर्मूले के थ्रू और भी इस चीज को बताऊंगा। बाकी थोड़ा सा मैं इसमें जो हमारे फंक्शन है वो दिखा देता हूँ। और क्या फंक्शन है इसमें, बाकी इसमें मैं रूल क्लियर कर देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ अप्लाई। ठीक है जी, न्यू रूल पे जाता हूँ। फॉर्मेट सेल बेस्ड अपॉन देयर वैल्यूज, किस तरह से दिखाना चाहते हैं? टू कलर स्केल, थ्री कलर स्केल, डेटा बार, डेटा बार, ये हमारी डेटा बार है। वही सारे फंक्शन यहाँ पे भी अवेलेबल होते हैं हमारे, टाइप लोएस्ट वैल्यू, परसेंटेज, हाईएस्ट वैल्यू, इस तरह से। सेल दैट कंटेन्स, सेल दैट कंटेन्स, मैंने कहा 60 से 70 के बीच, इस तरह से फॉर्मेट हम अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। सेल वैल्यू स्पेसिफिक टेक्स्ट, जिसमें W वो वाला, डेट अकरिंग, येस्टरडे, वो सारे ऑप्शन यहाँ पे हैं। ब्लैंक्स, जो ब्लैंक्स हों, ब्लैंक का हम सेट कर देंगे कि हमारी ब्लैंक सेल को रेड दिखा दे। जैसे कई डाटा होता है कि उसमें कुछ भी खाली नहीं, छूटनी चाहिए, वहाँ ब्लैंक हम यूज कर सकते हैं। नो ब्लैंक्स, ब्लैंक्स छोड़ के बाकी सबको आप हाईलाइट कर दो, ठीक है। एरर, एरर हमारी आती है जैसे वी लुकअप में हैश एन ए टाइप की, कोई भी एरर होती है हमारी, 5-6 तरह की एरर होती है, हैश एन ए, हैश वैल्यू, डिव एक्स, डिवाइड बाई जीरो की, नो एरर्स, जो एरर फ्री डेटा हो उसको कलर करें। टॉप 10, बॉटम 10, फॉर्मेट ओनली वैल्यूज दैट आर अबव और बिलो वैलेज, यूनिक एंड डुप्लीकेट का। और लास्ट हमारा फॉर्मूला, अब वी लुकअप का मैंने एक फॉर्मूला बताया था आप लोगों को। वी लुकअप क्या करता है, उससे पहले एक अच्छी चीज मैं दिखा देता हूं आपको। अब जैसे हम कोई डेटा सिलेक्ट करते हैं, मान लीजिए ये डेटा मैंने सिलेक्ट किया, मंथ तक सिलेक्ट किया या कहीं तक भी सिलेक्ट किया, उसकी रेंज बनती है अपनी, मंथ तक सिलेक्ट किया ये, तो इसकी एक रेंज बनी A1G66, यानी कि A1 सेल से लेकर G66, G66 तक की वैल्यू के अंदर जितनी भी वैल्यू है वो हमारी एक रेंज बन गई। अब ये रेंज कई बार याद करना थोड़ा मुश्किल होता है, हमारे पास एक रेंज है तो कोई बात नहीं, एक ही जगह डेटा है, पर ऐसे ही एक ही शीट में आपको 50 जगह इम्पोर्टेंट डेटा पड़ा है, कम से कम 50, तो उस टाइम आपको रेंज याद करने में बहुत मुश्किल होगी। आपको देख देख के जा जा के हर जगह किसी फार्मूला में रेफर करना है, वीलुकअप लगाना है, ये चीज आप लोग मतलब ढूंढने में दिक्कत होगी थोड़ी सी। अब मेरे पास उसके लिए क्या सोल्यूशन है, मैं क्या करूंगा, वो वैल्यू को सिलेक्ट कर लूंगा पहले। यहाँ पे मेरे पास नेम बॉक्स है, यहाँ क्लिक करूंगा और यहाँ एक नेम दे दूंगा आफ्टर सिलेक्शन के, तो यहाँ पे आया डेटा, मैंने लिख दिया डेटा उसको। अब जब मैं
यहां पे डेटा लिखता हूं तो इसमें ये सिलेक्शन मुझे पूरा दिखाता है। अब यानी कि वो जो रेंज A1 से G66 तक थी उसको मैंने डेटा नाम प्रोवाइड कर दिया। अब मैं जहां भी उसको यूज करना है उसको ऐसे कर सकता हूँ डेटा को। यहाँ पे आपको नहीं इम्पैक्ट दिखाएगा बट अगर मैं वी लुकअप के साथ या किसी जगह जहां मैं डेटा देता हूँ वहां पे इसका इम्पैक्ट आपको पूरा दिखेगा। ये नेम का कॉन्सेप्ट होता कहाँ है हमारा? हमने कोई नेम बना दिया, अब हमें खुद ही नहीं पता कि कहाँ क्या बनाया था। वो सब देखना है, फॉर्मूला टैब है हमारे पास, यहाँ पे नेम मैनेजर है। किसी का आपको नेम डिफाइन करना है जैसे मैंने अभी किया, वहां नेम बॉक्स से कर सकते हैं, दूसरा डिफाइन नेम में जाके कर सकते हैं। बाकी कामों के लिए, नेम को मैनेज करने के लिए हमारे पास नेम मैनेजर है जिसको आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने खुल के आ जाएगा। ये डेटा है, इस नेम के अंतर्गत हम कोई कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला, डेटा रेंज, इस तरह की चीजें सेव कर सकते हैं। हमें जैसे रेंज नहीं लेनी, कोई फॉर्मूला लेना है, वहां फॉर्मूला लिख दीजिए कोई भी नाम देके। मैं न्यू पे क्लिक करता हूँ, मैं कह देता हूँ इसमें टुडे डेट लिख देता हूँ और इसमें फॉर्मूला लगा देता हूँ टुडे। ठीक है, डेट। अब जब मैं इस पे डेट मारूंगा, ये वाला नेम का साइन ऐसा होता है, तो ये हमें करंट डेट दिखा दे। कंट्रोल शिफ्ट 3 प्रेस करेंगे, करंट डेट। तो इस तरह से हम इसको अपने अल्टरनेट नेम से भी सेव कर सकते हैं। अब बात आती है वी लुकअप की। वी लुकअप के लिए मैं थोड़ा सा 1 2 3 4 5 यहाँ पे छोटा सा डेटा मैंने ले लिया है। अब ये मान लीजिए मेरी आईडी है, यहां मैंने कहा कि मैं आईडी डालूं और नेम अपने आप आ जाए। पहले ये देखते हैं कैसे होता है। वी लुकअप टैब प्रेस कर दिया हमने, R17, ये आईडी के बेस पे लुकअप वैल्यू जो होगी मेरी ये आईडी होगी। किसमें हमें टेबल एरे, नेक्स्ट टेबल एरे वो होता है जिसके अंदर हम सर्च करते हैं। कॉलम इंडेक्स, ये हमारा फर्स्ट कॉलम हो जाता है, ये सेकंड हो जाता है। इसमें एक चीज ध्यान देने वाली है, जो हमने रेंज डेटा में सिलेक्ट की है जरूरी नहीं वो शुरू से शुरू होती है, वो उस वैल्यू से शुरू होती है जिसके बेस पे हम डेटा फाइंड करने वाले हैं। जैसे यहाँ पे मैं नेम के बेस पे करना है तो मैं यहाँ से डेटा सिलेक्ट करूंगा और फर्स्ट कॉलम ये हो जाएगा, सेकंड ये, थर्ड ये। ठीक है जी, कॉलम इंडेक्स मैंने दिया यहाँ पे 2, देन 0, फॉल्स एग्जैक्ट में एक्चुअली है, फॉल्स को अल्टरनेटिवली 0 से भी यूज कर सकता हूँ। तो यहाँ पे वो वैल्यू रिफ्लेक्ट करने लगी। ठीक है जी, अब इस फॉर्मूला को ड्रैग करने के लिए थोड़ा सा डॉलर वाला फिक्स करने पड़ेंगे मुझे, इसको मैं फिक्स कर देता हूँ। अब मैं इसको ड्रैग कर सकता हूँ, 6 मैं इसमें एरर दिखा दी क्योंकि 6 में कोई वैल्यू है ही नहीं, 6 की आईडी है ही। ठीक है जी, तो वी लुकअप का रेफरेंस मैंने दिखाया। अब मैंने कहा मेरे पास ना यहाँ पे तो 2 कॉलम का डेटा था, सिंगल कॉलम की अगर हमें आईडी से आईडी फाइंड करनी है तो हम यहाँ पे 1 डालते हैं कॉलम इंडेक्स में। अब मैंने ये कहा इनसे कि मेरे पास ये नेम है,
इसमें से जो नेम इस डेटा में अवेलेबल हो वो हाईलाइट हो जाए। सबसे पहले आसान चीज़ क्या करूँगा, मैं इसको नाम दे देता हूँ। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, एन एम नेम दे दिया इसको, एन एम। ठीक है जी, यहाँ पे गया पहले कॉलम पे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, मैनेज रूल, न्यू रूल, यूज फॉर्मूला। अब मेरा क्या फॉर्मूला लगेगा, ये अगर इक्वल टू है वी लुकअप, पहली है मेरी लुकअप वैल्यू कौन सी है, बी टू, यहां से हम डॉलर हटा देंगे। एन एम मेरी नेम रेंज है, कॉलम नंबर 1 क्योंकि इतनी सी मैंने सिलेक्ट की है, एंड 0, तो वो मुझे दिखा दे रेड में। फॉर्मूला क्लियर है, बी टू मतलब ये वैल्यू अगर वी इस लिस्ट में अवेलेबल है, वी लुकअप बी टू लुकअप वैल्यू, ये हो गई एरे हमारा, ये डेटा हो गया। कॉलम इंडेक्स एक ही हमने सिलेक्ट किया तो एक ही कॉलम इंडेक्स है उसका, मतलब पहली ही चाहिए, 0 एग्जैक्ट मैच की। ओके अप्लाई, यहाँ कुछ गड़बड़ हो गई, हाँ अवेलेबल है, ओके है, ठीक है, करेक्ट है। अब मैं क्या करूँगा, फॉर्मेट पेंटर से लेकर इस पूरे में, तो जो जिनके नाम वहां पे उस लिस्ट में थे वो यहाँ पे मेरे को रेड में दिखाने लगे। इसका यूज मैं कहाँ कर सकता हूँ, मान लीजिए अटेंडेंस लगाते हैं हम, अब उस दिन हॉलीडे पड़ रहा है, हमें इसको कलर करवाना है, हमारे कस्टमाइज हॉलीडे, मतलब हमने कोई हॉलीडे दे दिया उस दिन, कंपनी का सालगिरह थी उस दिन छुट्टी कर दी, उसको कलर करवाना है, हमें चेक करवाना है इस तरह के ओकेशनल हॉलीडेज कौन से थे, तो हॉलीडे लिस्ट बनाई, उनको नाम दे दिया, और यहाँ पे अपना सेम वी लुकअप वाला फॉर्मूला वो डाल के इसमें चेक करा लिया, और इसी तरह से उनको हाईलाइट करवा दिया। इसमें क्या ट्रिक होती है, डॉलर के खेल से बहुत सारी चीजें इसमें हो जाती है। मैनेज रूल में जाते हैं, यहां पे मैं इसमें कॉलम के आगे डॉलर लगा देता हूं, इसमें भी कॉलम के आगे डॉलर लगा दिया। ओके अब मैं इसको फॉर्मेट करूंगा और फुल डेटा पे सिलेक्शन मार के नहीं कर दूंगा, तो उनके नाम जिन जिनके डेटाबेस में नाम थे वो नाम मेरे पूरा उनका डेटा हाईलाइट हो गया। वैल्यू इसी को चेक कर रहा है, यहां पे भी हर एक सेल में फॉर्मेटिंग अलग लगी है, पर मैंने कॉलम लॉक कर दिया तो किसी भी फॉर्मेटिंग के अंदर बी टू की वैल्यू बी टू ही रही, पर उसको नीचे डेटा चेक करने के लिए, क्योंकि हमारे नीचे बढ़ते हुए रो में डेटा चेंज हो रहा है, तो थ्री को मैंने बी टू को मैंने लॉक नहीं किया, रो को लॉक नहीं किया। इस तरह से हम पूरे डेटा को दिखा सकते हैं। ठीक है जी, अब एक और चीज आती, एक छोटी सी चीज और है, मेरे ख्याल से मैं कल दिखाऊं तो बेटर है, आज का बैच हो गया। ठीक है जी, कल मैं आपको ये चीज आपको दिखाऊंगा। ठीक है जी, संदीप सर, मुझे हाँ एक चीज पूछनी है। बच्चे जो आप न्यू रूल्स बना रहे हैं कंडीशन फॉर्मेटिंग में, वहां हाँ जी, पर हम रूल क्यों पुट कर रहे हैं, हमें डायरेक्टली भी तो दे सकते हैं। किस जगह,
जी कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर आपने न्यू रूल्स में डाला, हाँ जी एक जो आप रूल्स में दे रहे हैं, हाँ जी तो वहां पर देने का रीजन मुझे नहीं समझ में आ रहा है। हाँ, यहाँ पर जो आप दे रहे हैं रूल्स, वो तो हम कहीं भी देख सकते हैं, यहाँ से भी दे सकते हैं। नहीं, हाँ जी एक पर्टिकुलर सेल में आप यहाँ पर दे रहे हैं ना, हम एक नॉर्मल कॉलम में भी तो डायरेक्टली वो रूल पुट करते हैं जो आपने जैसे मतलब कल बताया था। हाँ जी नहीं मैं समझा शिखा जी नहीं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये सेल में भी तो हम कर सकते हैं डायरेक्ट। हाँ, डायरेक्टली हम सेल में भी कर सकते हैं, हम स्पेसिफिक उस बॉक्स में न्यू रूल्स के अंदर क्यों कर रहे इंस्टेड हैं। ऑफ न्यू रूल्स हम इसको सीधा सेल में भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे किया हुआ है मैंने नेक्स्ट 7 डेज के लिए, इस तरह से ना। अब हाँ, ये राइट हम राइट उसे वो मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग और क्या कर सकती है। आप यहाँ पे वैल्यू डाल सकते हैं पर फॉर्मेटिंग नहीं मतलब करवा थोड़ा आप सकते। ऑप्शंस दिखा रहे हैं इसके, क्या क्या ऑप्शंस हैं इसमें। हाँ मतलब मैं आपको एक वेरिएशन दे रहा हूँ। आप यहाँ पे अभी तक टेक्स्ट में काम कर रहे थे, अभी तक टेक्स्ट में ट्रू फॉल्स फिल्टर वगैरह, पर यहाँ से आपकी शुरू होती है फॉर्मेटिंग। अगर आप अपने बॉस को दिखाएंगे जी ये ट्रू है ये फॉल्स है, अब ट्रू फॉल्स ऐसे नॉर्मल आदमी को तो समझ में नहीं आता। हमारे जो राजा महाराजा होते थे उनको भी चार्ट में समझाई जाती थी चीजें, क्योंकि वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते थे तो उनको मतलब आपका कहना मतलब मतलब थोड़ा सर आपका कहना मतलब थोड़ा पिक्टोरियल हो, जैसे हाँ कलर हो गए। पिक्टोरियल डेटा हो जाता है। हम कलर्स वगैरह यूज करते हैं, कलरलेस दुनिया थोड़ी सी अजीब लगती है ना तो इसलिए ओके ठीक है ना। और बाकी मैं आपको कल इस पे एक लाइव प्रोजेक्ट दिखाऊंगा, फिर आप बताना मुझे कि मैंने इसे यूज क्यों किया ठीक है जी। और एक ये जो लास्ट वाला वी लुकअप आपने जो बताया, वो एक बार फिर से समझाना कल, मुझे थोड़ा ऊपर से चला सर गया। वी लुकअप का एक अलग से सेशन दे दीजिएगा थोड़ा सा, 10 मिनट का बाद में कल, अभी ठीक तो है जी वी आर ठीक है टायर्ड ठीक है जी ठीक ठीक है। है। आज की ज्यादा ही लंबी हो गई मुझे भी लग हाँ रहा नहीं बट इट वॉज सो इंटरेस्टिंग, इट है। वॉज ओके रियली सर, नाइस। ओके जी, गुड नाइट एवरीवन, थैंक यू सो मच सर, गुड गुड नाइट नाइट, थैंक एवरीबॉडी, यू, गुड नाइट। थैंक यू वेरी मच।